आज सीएम योगी का 48वां जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम था, लेकिन अब नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने सीएम आवास पर ही पौधारोपण किया है और लोगों को पर्यावरण को लेकर एक संदेश दिया। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से शुरू हो गया है। L&T कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बुला लिया है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में रखे पत्थरों को परिसर में पहुंचाए जाने की तैयारी है। इसी को लेकर L&T कंपनी के पदाधिकारियों ने पत्थरों को ले जाने वाले मार्गों को भी देखा और उसका जायजा लिया। भारत में अनलॉक 1 के ऐलान के साथ ही कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,851 मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में अब संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार पहुंच गई। साथ ही इस दौरान 273 लोगों की मौत हुई है। सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन गनीमत यह है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टेस्ट कराया गया था। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे महाराज। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल अब आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां आने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। देहरादून में मुख्यमंत्री की घोषणा पर DM ने आदेश जारी किया है। शनिवार रविवार को नगर निगम देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए दुकानें खोली जाएंगी। देहरादून में सभी तरह के बाजार बंद रहेंगे। आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा करने का आदेश जारी किया गया है। देहरादून में निरंजनपुर सब्जी मंडी को सील कर दिया गया है। निरंजनपुर मंडी कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। लगातार कोरोना के मामले आने के बाद DM ने आदेश जारी किए। 11 जून तक मंडी बंद रहेगी। मंडी खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने फोन पर कुछ क्वारंटीन सेंटर के प्रभारियों से व्यवस्थाओं का हाल जाना। उन्होंने एक क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीज के फोन पर सीधे बात कर उसका फीडबैक लिया। राज्यपाल ने टिहरी और पौड़ी के जिलाधिकारियों से भी फोन पर बात कर क्वारंटीन सेंटरों की जानकारी ली और दोनों जिलाधिकारियों को रैंडम टेस्टिंग, क्लस्टर टेस्टिंग और गहन स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सफाई दी है। बंशीधर भगत का कहना है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि उसे कोरोना वायरस है। सतपाल महाराज जी से मिलने कोई भी पहुंचा हो, लेकिन उसमें उनकी क्या गलती है? गलती तो तब मानी जाती है जब किसी को कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी हो और उसके बाद वो लोगों से मिले, तब कार्रवाई का प्रावधान है। काशीपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 लोगों के विरोध में मुकदमा दर्ज किया गया है और दर्जनों बाइकें भी सीज कर दी गई। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों का गाड़ियों में घूमना मना है, मगर लोग घूमने से बाज नहीं आ रहे, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। इसी के चलते जिलाधिकारी ने कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में प्रशासन की तरफ से उनके घरों के लिए भेजने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि अब तक जिले से करीब 1800 प्रवासी मजदूरों को बस और अन्य साधनों से रवाना कर दिया गया। रवाना करने से पहले सभी मजदूरों का स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल की कार्डियोलॉजी, OPD और ECG यूनिट 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। OPD में आए मरीज में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब तक राजधानी में 21 हॉस्पिटल या उनकी यूनिटें बंद हो चुकी हैं। लोहिया अस्पताल को 24 घंटे के लिए सील के बाद सैनिटाइज का आदेश दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की तैयारियों को लेकर सांसद अजय टम्टा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोविड-19 को लेकर जिले में बढ़ती जा रही लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने का ये बेहद महत्वपूर्ण समय है, इसमें कड़ी निगरानी और सावधानी बरतने की जरूरत है।
गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसके लिए 75 सरकारी गैर सरकारी किचन संचालित हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक 58 लाख लोगों को भोजन के पैकेट बांटे गए हैं। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे खुद सामुदायिक किचन का औचक निरीक्षण कर खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता को चेक करते नजर आए। गोंडा में लॉकडाउन की वजह से किसान परेशान हो गए हैं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर कृषि विभाग के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें किसान सम्मान योजना की एक भी किश्त नहीं मिली है। उनके बैंक खाते में करेक्शन बताया जा रहा है। उन्होंने बैंक पासबुक और आधार कार्ड अधिकारियों को दे दिया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जब सही हो जाएगा तब पैसा खाते में आ जाएगा। मैनपुरी में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की है। उसके बाद जिला अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की गई। मैनपुरी में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां पर 23 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वहीं जनपद में 25 लोग कोरोना से ठीक होकर घर चले गए। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। ये जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है। देश के अलग राज्य जीएसटी बकाए को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। कई राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। भारत ने 53 दवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। अभी ऐसी ज्यादातर दवाओं के एपीआई या अन्य दवाएं चीन से आयात किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजौरी के कालाकोट के नियारी इलाके में एनकाउंटर हुआ है और एक आतंकी को मार गिराया गया। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आतंकी के पास से गोला बारूद बरामद किया गया है। तेलंगाना के जहीराबाद में एक किसान को खेत की जुताई करते हुए जमीन के नीचे से सोना और ढेर सारे रत्न मिले हैं। इतना ही नहीं, किसान को जमीन के अंदर से एक भी कई सारे एंटीक्स मिले हैं। ये सभी एंटीक्स सोने चांदी और तांबे के हैं। जुताई के वक्त किसान का हल अटक गया था। जब किसान हल निकालने लगा तो जमीन के अंदर से उसे खजाना मिला। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देश के अंदर टॉप पोजीशन में है। वहीं ग्लोबल रैंकिंग में इसको 36वां स्थान मिला है। इसके अलावा भारत के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था भी टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। वहीं संस्थानों की संख्या 2016 के बाद में से अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5,000 रुपए जमा करने पर 69,000 टीचरों की भर्ती मामले में अनुरोध को स्वीकार कर ओएमआर शीट तलब कर ली है। 5,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट कोर्ट में जमा करना है। कोर्ट ने ओएमआर शीट तलब कर चेतावनी भी दी कि अगर ओएमआर शीट जांचने में किसी तरह की गलती नहीं पाई गई तो जमा की गई राशि को हर्जाना मानते हुए जब्त कर लिया जाएगा। मेरठ में खुलासा किया गया है कि एक आईएमईआई नंबर पर 13,000 से ज्यादा फोन एक्टिव हैं। मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल ने को बताया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एडीजी मेरठ जोन ने कहा है कि अगर ये टेक्निकल त्रुटि है तो उसकी भी जांच होगी और अगर कोई और मामला है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में उत्तराखंड का पहला बस पोर्ट बनने जा रहा है जिसकी लागत 27 करोड़ रुपए होगी। सरकार ने पोर्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। इस बारे में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया है कि रामनगर की जनता का सपना जल्द पूरा होने वाला है। बस पोर्ट 3 एकड़ की जमीन पर बनेगा जिसका काम 12 महीने में पूरा होगा। रुद्रपुर में बीजेपी नेता सुरेश विश्वास के खिलाफ एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। ट्रांजिट कैंप की रहने वाली एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि सुरेश विश्वास ने उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट भी की। आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी है।
कोशाबी में इचौली गांव में 4 साल की मासूम बच्ची की गला घोटकर हत्या कर दी गई। वो अपने घर के पास से ही एक दिन पहले लापता हो गई थी। पुलिस का सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्ची का शव आरोपी के घर की छत पर लकड़ी के ढेर में बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि मासूम बच्ची की हत्या नरबलि के खातिर की गई, क्योंकि मासूम की गर्दन पर गंभीर चोट के निशान है। इसके अलावा आरोपी के घर पर पूजा की तैयारी भी चल रही थी। हरदोई में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। खाली पड़े प्लॉट में पेशाब करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से असलाह तक निकल गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 21 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया। 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित शराब की दुकान पर आबकारी इंस्पेक्टर और आबकारी टीम के चेकिंग के दौरान दुकानदार और उसके स्टाफ ने बदसलूकी की और गाली गलौज भी की, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। हंगामा बढ़ता देखकर आबकारी इंस्पेक्टर को वहां से निकलकर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के आने के बाद भी दबंग दुकानदार अपने लोगों के साथ मिलकर पुलिस के सामने भी दबंगई करता रहा। एटा में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में फरार 6 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए एक अवैध सिंगल शॉटगन, 5 अवैध तमंचे और 9 खोखा कारतूस बरामद किए गए। जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। लखीमपुर खीरी में वन विभाग और ग्रामीणों में झड़प हो गई। सीमा विवाद को लेकर झड़प हुई और इस विवाद में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया है। बुलंदशहर में प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के बदले लगातार अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बना रहे हैं, जिस वजह से गरीब मासूम बच्चों ने मोदी और योगी से फीस माफ करने की गुहार लगाई है। बच्चों ने कहा है कि हमारे पापा लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते काफी टाइम से काम पर नहीं गए, जिसके चलते उनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। ऋषिकेश में खाद्य पूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को जारी किए राशन कार्ड अब तक ऑनलाइन नहीं किए, जिसकी वजह से कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं नए आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद भी लोगों को राशन कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल से मुलाकात कर समस्या दूर करने की बात कही है। लखीमपुर खीरी में कोतवाली पुलिस ने 10,000 के इनामी ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए ऑटो लिफ्टर को जेल भेज दिया है। एसपी ने बताया कि इंस्पेक्टर चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि ऑटो फिल्टर चोरी की बाइक के साथ आ रहा है। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तुकुनिया थाना क्षेत्र में बैंक कैशियर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। जौनपुर के राजापुर गांव में 3 दिन पहले दो पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद एक पक्ष के पिता और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में तनाव बन गया। फिलहाल पुलिस फोर्स को गांव में तैनात कर दिया गया है। कानपुर देहात में महज 800 रुपए के लेनदेन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। नशे में धुत लोगों ने एक घर को जला दिया। खूनी संघर्ष में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव छापरी में तब्दील हो गया। 800 रुपए के चक्कर में आईजी कानपुर को मौके पर पहुंचना पड़ा। गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने दोनों परिवार के 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। नोएडा में कबड्डी के नेशनल प्लेयर ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि चेकिंग के नाम पर पुलिस बदसलूकी कर रही है। कागज होने पर भी गाड़ी की सीज करके मारपीट की गई। खिलाड़ी ने ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके में हाईवे के अधिकारियों ने रोड के दोनों तरफ किसानों की जगह आने पर उन्हें मुआवजा देने के बाद अतिक्रमण हटाने की नोटिस दे दिया है, जिसके बाद नेशनल हाईवे रूट पर
के पास बने बजरंगबली के मंदिर को जेसीबी से क्षतिग्रस्त कराकर अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही पुलिस चौकी के पास बनी मस्जिद को भी क्षतिग्रस्त कराया गया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने मंदिर मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़कर हाईवे की भूमि मुक्त करा दी है, लेकिन पुलिस चौकी से अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं कराया गया। गोरखपुर में खेत में पानी चलाने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने लाठी, ईंट और हॉकी से एक परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हर साल मॉनसून से प्रभावित होने वाला नैनीताल जिला इस बार प्री मॉनसून में ही तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई विभाग को जिले के संवेदनशील इलाकों में अपनी मशीनरी और मैन पावर डिप्लॉय करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के भूस्खलन और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में तत्परता से रिस्पॉन्स देने और सरकारी मशीनरी से तत्काल सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। ये वास्तविक में चंद्र ग्रहण ना होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:11 पर शुरू होगा और रात 2:34 पर खत्म होगा। पांच जून का हर दिन साल में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1972 के स्टॉकहोल्म सम्मेलन के बाद हुई थी। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतुओं से जोड़ा जाना है। वेस्टइंडीज के तीन खिलाड़ियों ने अगले महीने होने वाले इंग्लैंड के तीन टेस्ट के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। कोविड-19 महामारी के खतरे के बीच इन मैचों का आयोजन सुरक्षित माहौल में किया जाएगा। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम घोषित की है। सुनील ग्रोवर इस बार रत्नागिरी नाम की लड़की के किरदार में नजर आ रहे हैं। बड़े बालों वाला विग पहना हुआ है और सर के ठीक ऊपर एक चोटी बनाई हुई है। पिंक कलर का टॉप पहनकर, बालों में लिपस्टिक लगाकर और आंखों पर आईसाइट वाला चश्मा लगाकर सुनील ग्रोवर ने बिल्कुल किसी नखरीली लड़की सा लुक लिया है। एक्टर रोहित रॉय ने सोशल मीडिया पर एक जोक शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि रजनीकांत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। रोहित का इरादा तो इस जोक के सहारे माहौल को हल्का फुल्का बनाने का था, लेकिन रजनी के कई फैंस को ये जोक काफी असंवेदनशील लगा, जिसके बाद रोहित को काफी ट्रोल किया गया। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला से फैन ने सफल होने का राज पूछा। अब फैन के इस सवाल पर सिद्धार्थ शुक्ला ने जवाब में हर किसी का दिल जीत लिया है। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा है कि वो एक अच्छे और नेक इंसान है।